तो इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट टर्मिनल ऑफ ए सेल इज 3 वोल्ट। तो हमें ये गिवन है कि दो टर्मिनल जो ये बैटरी है इसके दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3 वोल्ट का। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन टू मूव 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज अक्रॉस द सेल। इस सेल का एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक एक 5 कूलम्ब का चार्ज को ले जाना है। तो फिर इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है, जबकि इसके इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड करना है। और क्या गिवन है, और ये जो वोल्टेज है इसका इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट का। ओके, अगर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है तो तुम इजीली इसे फाइंड कर सकते हो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। बट ऐसे फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालने में क्या मजा आया, अगर फॉर्मूला का मतलब ही समझ में ना हो तो फिर हम लॉजिकली इसका आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं जो लॉजिकली जैसा प्रोसेस है क्या इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर गिवन है 3 वोल्ट। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 3 वोल्ट जो होता है, वोल्ट मतलब ये होता है सिंपली जूल पर कूलम्ब। ओके, तो यहाँ पर मैं 3 वोल्ट के बजाय यहाँ पर 3 जूल्स पर कूलम्ब भी लिख सकता हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या है, 3 जूल का वर्क डन हमें जरूरत है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को लेने के लिए। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लेने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है 3 जूल का। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, 5 कूलम्ब के लिए कितना वर्क डन होगा। ओके, कितना जूल वर्क डन होगा 1 कूलम्ब के लिए, 1 कूलम्ब के लिए 3 जूल। तो फिर 2 कूलम्ब के लिए उसका दुगना, 3 कूलम्ब के लिए उसका 3 गुना, वैसे 5 कूलम्ब के लिए उसका 5 गुना इंटू 5, 3 जूल इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15 जूल। तो फिर निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें वर्क डन निकालना था, वर्क डन आ गया 15 जूल्स। ओके, ऐसे तो हो गया। अब हम देखते हैं अगर फॉर्मूला के ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम यूज करते हो निकालते तो फिर क्या होगा। हमारे पास वोल्ट है 3 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बाई कूलम्ब, कितना कूलम्ब है 5 कूलम्ब 5 सी। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर 1 है तो फिर डब्ल्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट इंटू 5 कूलम्ब, तो फिर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 निकल गया हमारा ये आंसर। यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15 वाट का ऐसा यूनिट जो है वो जूल होता है। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है कि इट गिव्स 20 जूल्स ऑफ वाट टू पुश 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज अक्रॉस द फिलामेंट ऑफ ए बॉल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिलामेंट। यहाँ पर दिया गया ये फिलामेंट, तो फिर इस फिलामेंट के अक्रॉस जो 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज को जाने के लिए 20 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, मतलब यहां से यहां तक 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज को आने के लिए 20 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज वो जो वोल्ट होता है वो क्या होता है, जूल्स पर कूलम्ब, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को यहां से यहां तक आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, वही इन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फिर यहां से यहां तक आने के लिए 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज के 20 जूल्स ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। हमें यहां पर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए निकालना है वर्क डन, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय 4 कर लेंगे यहां पर और यहां पर भी बाय 4 कर लेंगे। तो फिर यहां क्या आएगा, 4 इंच 4 कट, तो फिर यहां पर आ जाए 1 कूलम्ब। और फिर यहां पर क्या होगा, 4 एंड 20 को काटा बीटी करने से यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा जूल। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए 5 जूल का एनर्जी जरूरत होगा। और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जूल्स पर कूलम्ब, यहां पर जूल है ये 5 जूल और कूलम्ब है ये 1 कूलम्ब। तो फिर यह हो गया 5 जूल्स पर कूलम्ब, जूल्स पर कूलम्ब होता है वोल्ट, तो भी ये हो गया 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट मतलब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसा नहीं निकाल दिया। अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते तो क्या होता, तुम लिखते यहां पर V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और V हमें पूछा है और W गिवन है, W क्या है 20 और तुम यहां पर लिखते 20 और Q क्या है 4, तो भी यहां पर तुम 4 लिखते और यहां तुम्हारा डायरेक्टली 5 आ जाता, वोल्ट V गए वोल्ट।
फिर इसका ऐसा यूनिट ये हो गया 5 वोल्ट। थैंक यू।